जी, क्या हाल बुलाओ तो चाल है बुलाया है क्योंकि आपका? वो बिजनेस हम खोलेंगे। भी ठीक है, अल्लाह का हमने शुक्र है। उस अभी बिजनेस मैं के बारे पार्ट में टू में आपको आपको कुछ उसकी जानकारी आवाज़ की चाहिए होगी। रिकॉर्डिंग सारी सुनाऊंगी, आप मुझे सुनना ये सारी कैसे जानकारी कैसे दे मैसेज सकते हैं मुझे मेरे तक। करती तो रही है, मिस्टर जो जो तो मुझे बता इन्फॉर्मेशन मिलेगी मंडे को इन शाअल्लाह मैं आपको आपको मिलूंगी। बताऊंगी। अभी मैं आप उसकी आपसे प्रॉमिस रिकॉर्डिंग है सुने और क्योंकि फिर यहाँ पे जो है ना बहुत मैं सारे बाद में फॉर्म है, बात ठीक है, करती बहुत हूँ। सारे लोगों ने काम ओपन कर लिया है और हम लोगों का भी उम्मीद है अल्लाह से कि हम लोगों का भी ऑन हो जाएगा सैटरडे से। तो आप मुझे इंशाल्लाह संडे तक का टाइम दें, मंडे को मैं आपको अच्छी खबर दूंगी, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, आपने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत वेट किया, हम लोग सब परेशान हैं। देखें लॉकडाउन से कोई भी हैप्पी नहीं है, आपका अगर नुकसान हो रहा है तो मेरा भी नुकसान हो रहा है। हम लोग तो डेली वेजेस वाले हैं, मतलब लोगों को जो मजदूर हमारे साथ काम करते हैं तो डेली वाले हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, मुश्किल वक्त है हम लोगों ने एक साथ गुजारना है, अल्लाह ताला हमारे लिए इसको ईजी करे। आप इंशाल्लाह मुझे सैटरडे संडे तक का टाइम दें, मंडे को आपको इंशाल्लाह अच्छी खबर दूंगी। आप फिक्र नहीं करें, मैंने आधे से ज़्यादा सामान कुरियर ऑफिस पहुंचा दिया है। मैंने आपसे आज प्रॉमिस किया था कि अगर आप परेशान हैं तो मैं आपका साथ दूंगी। अगर मैं ऑर्डर नहीं कर सकती तो मैं आपको जब ऑर्डर ले रही थी जब कह देती कि मैं ऑर्डर नहीं कर सकती, मैं कर सकती थी। मैंने और किसी को ऑर्डर मशीन पर नहीं लगाया था, इस वजह से मैंने आपसे कह दिया ओके आप मुझे दे दें, मैं आपका ऑर्डर लगा दूंगी, ठीक है? आधे से ज़्यादा सामान मैं पहुँचा चुकी हूँ कुरियर ऑफिस, सिर्फ इसलिए क्योंकि बुकिंग पहले करानी होती है। जब स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो मुझे कितने बॉक्सेस बनवाने हैं, मैंने उनका वेट क्या रखना है, मैंने उनके ऊपर जो प्राइस आपको पता होगा जो डॉलर प्राइस हम रखते हैं वो हमने क्या रखनी है, तो मैंने उनको कम प्राइस पे रखना है। इस वजह से मैंने पहले पहुंचाया ताकि कल एकदम बहुत सारा बर्डन हम पे ना पड़ जाए और कल तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। अब इंशाल्लाह कल मज़ीद जाके मैं कर दूंगी तो कल शाम तक मैं इसको फाइनल कर दूंगी, ठीक है? कल मैं इंशाल्लाह कैसे भी करके डिलीवरी यहाँ से निकालूंगी। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो आप मुझे बहन कहा है ना, तो आप अपनी बहन पे आप ट्रस्ट रखें कि अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ आपको मिलेगी। बस इंशाल्लाह ताला कल करके मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मेरे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। एक एक चीज़ आपकी पसंद की है, मैंने पूरी कोशिश अपनी तरफ से की है कि आपको कोई कंप्लेन ना हो, और मैंने आपके साइजेस भी आपके सूट्स के जो पैकेट है उसके अंदर साइज़ रखा है, ठीक है, ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से कस्टमर का कौन सा साइज़ है। मैंने कार्ड रखा है, पिक्चर कार्ड, जो बैग हैं जिप वाले उन बैग में, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर भेजी है हमारी अभी की, ऐसे स्टिच सूट में मैंने पिक्चर के साथ साइज़ रख दिया है ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह जब डिलीवरी आप तक पहुंचेगी आपको खुद यकीन आ जाएगा कि मैंने कितनी मोहब्बत से मेहनत से आपका काम किया है। आप इंशाल्लाह खुश ही होंगी, आप ऐसे बार बार नहीं कहें कि मैं मर जाऊंगी, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। बी पॉजिटिव, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा। आप बिलीव करें, मुझे आज हॉस्पिटल से फोन आया था, आपको पता है मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आप यकीन करें मैं सिर्फ आपकी वजह से हॉस्पिटल भी नहीं गई, मैंने कहा मैं कल आ जाऊंगी। आज क्योंकि अगर मैं लेबर के सर पे नहीं बैठती और ये सब अपने सामने नहीं कराती तो नहीं होता। और मुझे पता है कि आप वहाँ पर कितनी परेशान हैं, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ शट डाउन हो रहा है, आपकी डिलीवरी ऑब्वियसली आपने ऑर्डर बड़ा किया हुआ है, आपको परेशानी हो रही है। आप यकीन करें मैं इतना ऑनेस्टली आपके साथ चल रही हूँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, सब बिल्कुल सही होगा। आप बस पॉजिटिव रहें और अच्छा अच्छा फील करें, इंशाल्लाह ताला कल तक ही हो जाएगा, ठीक है?